वालेकुम कैसे हैं हाँ? आप लोग उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे फिट होंगे आज तो आप लोग सोच रहे होंगे इसने इतनी जल्दी कैसे व्लॉग पोस्ट कर दिया मतलब कैसे अब क्योंकि ये व्लॉग इतनी अजीम जगह से स्टार्ट हुआ है मतलब कि मेरी यूनिवर्सिटी से तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा ही होगा लेक्चर हमने लिया उसके बाद हम क्लास से बाहर गए और हमने ये बॉटल के साथ गेम खेलना शुरू कर दी कि उस होल में फेंकना है अब उसमें कहाँ गिरना था और बाद में नीचे जाकर देखा इतना गहरा था ना अगर उसमें गिर जाती तो हमें छतर पड़ने थे यूनिवर्सिटी वालों से उसके बाद हम लोग चले गए के कैंटीन पर हमने वहाँ से खाए चिकन वाले रोल्स और इनकी मेयोनीज इतनी अजीब सी होती है ना फिर हम लोगों ने मिलके खेली चिड़िया उड़ी वाली गेम और सबके हाथों पे इतने निशान पड़ गए थे रेड रेड इतने जोर हाँ। जोर जो से इन्होंने उंगलियां मारी थी तोबा तोबा जहाँ तक मुझे याद है कि मैं इसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि अब मैं रमजान के बाद ही जाऊँगी ये प्यारा सा पीआर प्यार पैकेज मुझे रिसीव हुआ था गिफ्ट्स बाय सामे की तरफ से आप इनकी इंस्टा जरूर चेक करना और इन्होंने रमज़ान आने वाला था इसलिए मुझे बकेट बना के दी थी आप भी अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट के बारे में ना बकेट्स बनवा सकते हैं गिफ्ट बॉक्सेस बनवा सकते हैं गिफ्ट बुक गिफ्ट बुके बनवा सकते हैं फिर स्लिप ऑफ टंग तो हमारा होता ही रहता है उसके लिए हमें माफ कीजिएगा और हम लोग रमजान की ग्रोसरी वगैरह करने के लिए चले गए थे सारी सारी सामान खत्म हुआ था वो लेने के लिए चले गए थे और यहाँ पे हमने दालें सब्जियां चीनी पत्ती और पता नहीं क्या क्या ले लिया और पूरी हमारी लंबी सी बिल निकल आया उसके बाद हम लोगों ने सामान लेके बाहर आए और अब हमने इसको शिफ्ट करना था गाड़ी में अब हमारे घर वाले थे घर पे और सिर्फ हम दोनों को मिलके ही करना था ये सारा कुछ और फिर मुझे तो इतना दिल घबरा रहा था मैंने फिर आइस शेक पिया उसके बाद हमने यहाँ से निकाली अपनी गाड़ी इतना रश इतना रश हर रशी रश क्योंकि रमजान की सब लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो इस वजह से रात को हम लोग घर आए हमने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं मूवी शूवी देखते हैं और हमने भी साथ में पास्ता खाया बहुत अरसे पेंटिंग करना छोड़ी हुई है और आज मैंने सोचा कि करते हैं पेंटिंग और ये मुझे थर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी फोर का तकरीबन कैनवस मिला था तो मैंने कहा चलो यार इस पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ऐसा किया कि क्या ये बताओ यहाँ पे मैं पेंट्स निकाल रही थी और मेरे पास कोई है ही नहीं सारे खाली पड़े हैं मतलब कि इनको देखने के लिए रखा हुआ है मैंने सारे के सारे तकरीबन खाली थी और आजकल एक इतने महंगे अल्लाह ही माफ करे कहा हाँ दो सौ ढाई सौ की एक ट्यूब होती थी अब तो, तो तोबा तोबा तोबाज के मैंने ब्लू बर्ड के भी लिए थे बट वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए के बहुत बेस्ट है ये हमारी स्प्रे बॉटल हमने ले ली और इसके बाद हम अपना सामान लेके चलेंगे पेंटिंग करने ये चेक करना जरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अभी देखना मैंने टाइम लैप्स बनाया और इसमें ये कौन सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हमें समझ नहीं आ रही मैंने कोई मतलब रेफरेंस के लिए कोई पिक्चर नहीं देखी खुद से ही बस कोली में मैंने कलर घोल घोल के घोल गोल के इतना गंद मचाया नीचे सारा जो है ना पेपर जो भी कारपेट शार्पेट वट एवर वो गंदा हो गया पूरा और कोई ये प्यारी भी नहीं लग रही थी पता नहीं क्या मैंने बनाया मुझे मैं समझ नहीं आ रही थी मैं पेंट गुराई जाऊँ गुराई जाऊँ गुराई जू फाइनली जब मुझे पता लग गया ना कि अब इसका और कुछ भी नहीं हो सकता तो मैंने अपना मैंने इसको छोड़ दिया मैंने कहा बस करते हैं नीचे सब कुछ गंदा हो रहा था इधर उधर कलर फैली जा रहा था फैली जा रहा था और सुबह मुझे क्षेत्र पर न था तो मैंने कहा चलो इसको साफ कर लेते हैं अब आस तो सारा कचरा कचरा हो गया और ये कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी लेकिन मैंने सोचा था उसको पर्पल वाली जो सामने वाली वॉल है ना उधर लगाएंगे बट फिर मैंने सोचा कि इतना बुरा नहीं लगेगा मतलब अगर वो बिल्कुल साफ वॉल है उधर लगाएंगे कोई नहीं बुरा लगेगा फिर मैंने ये उठाई और नीचे देखें क्या करना है पता तो नहीं किधर किधर पेंट गिर गया था फिर मैंने पोछा लेके आई मैंने कहा धोते जाओ धोते जाओ धो बट ये धोले नहीं रहा था साफ ही नहीं हो रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था इसके अंदर मतलब हिल नहीं रहा था एक पेंट का कतरा भी मैंने कहा अब तो भाई मतलब बस अब अब तो मैं गई अब तो तू गया वो मी मैं ना अब तो देख अब तो देख अब तो तू गया तो मुझे वो ख्याल आ रहे थे अपने दिमाग में कि मेरी तो अब बस गई है काम तमाम खैर ये रमजान से पहले की रूटीन है और अभी रमज़ान आ गया है सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक यहाँ पर सैरी की तैयारी हो रही थी दादू पराठे बना रही थी क्योंकि हमेशा वही बनाती हैं पराठा और मम्मा चाय वगैरह बना रही थी तो अभी ये शहरी के मामलात हो रहे थे फिर मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ऑर्डर शॉर्डर पैक किया ये साफ फर्श पे पड़े हुए हैं लेकिन मुझे मैंने पीछे पेंट गिराया हुआ था तो अब ऐसे लग रहा है इस गंदा फर्श है और यार ये पहला रमजान है मैंने अपनी जिंदगी में पहला रमजान सर्दियों में देखा मतलब सर्दी जो नहीं रही है हुडीस पहननी रही हैं और क्या ये मामलात है समझ नहीं आ रही यहाँ पर जी हमारी फर्स्ट सैरी डन हो गई और किस किसने स्टेटस लगाया जरा मुझे बताना सही सही बताना पहले रमज़ान होते थे मैंगो ही मैंगो होते थे मैंगो शेक बन रहा है मैंगो खाए जा रहे हैं और इस रमज़ान में ऑरेंज ऑरेंज का मैं कैसे शेक बनाऊँ मुझे बताओ कोई ठंडा पानी भी नहीं पी रहे कुछ भी नहीं कर रहे हम लोगों ने सोचा कि बाहर वाले सहन में नमाज़ पढ़ते हैं बट इतनी ठंड थी कुल्फ़ी जम गई फिर कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद हम सो गए फिर सुबह उठे थोड़ा काम शाम किया नमाज़ें पढ़ी और यार सारी रूटीन इतनी भी नहीं दिखाने होती बट ये है कि इस तरह के मामला चल रहे थे उसके बाद अफतारी की तैयारी शुरू हो गई थी ये पकौड़े बन रहे थे पकौड़े तो अफ्तारी में लाजमी होते हैं यहाँ पर चावल दम में लगे हुए थे दम पे लगे हुए थे इधर बर्तन शर्तन रखे अफतारी का टाइम हो गया पहली अफतारी डन हो गई मैंने कभी ये वाला स्टेटस नहीं लगाया फर्स्ट सहरी डन फर्स्ट अफतारी डन ये वाला मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग फिर छत पे चले गए चाय शाय लेके अफतारी के बाद चाय तो पीनी होती क्योंकि पूरा दिन कोई चाय शाय नहीं होती छत पे हम लोग जा रहे थे 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 फिर हम छत पे पहुंच गए और चांद देखो इतना हसीन लग रहा है इतना हसीन इतना प्यारा लग रहा था क्या बताऊँ बता ही नहीं सकती चांद पे एक शेर बोलने का दिल लेकिन मुझे शेर शायरी कुछ भी नहीं आती तो इसलिए बाकी अब हम चांद की हुसन को देख के ऐसे ही चले जाएंगे और आप लोग भी बताना कि आपका रमजान कैसा गुजर रहा है और इसको देख के परेशान हो होना ये कचोरी है और ये हम कभी कभी खाते होते हैं रमजान में यहाँ पर दूसरी शहरी की तैयारियां शयारियां हो रही थी और आज हमारी दूसरी शहरी भी डन हो जाएगी यार मैं कोई रोस्टिंग नहीं करी बस वैसे बता रही हूँ फिर आज हमने चूरी खाई थी पराठा नहीं खाया था कल पराठा खाया था आज हम चूरी खाएंगे अपनी चूरी मुझे बहुत पसंद है सहरी हमारी हो गई थी उसके बाद हमने नमाज पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा कुछ दुआएं पढ़ी और बस रमजान में रूटीन एकदम से इतनी चेंज हो जाती है ना और रमजान की वाय भी अलग है सच में मुझे बहुत मजा आता है रमज़ान में अफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई थी मेरे बाबा फ्रूट चाट बना रहे थे हमने सोचा हम भी कुछ बना लेते हैं तो ये पानी पानीपुरी में तबले क्या थी जब हम ग्रोसरी करके आए थे इसको बाद में बनाएंगे पहले हम बनाएंगे चिकन सैंडविच तो आज हम करेंगे कुकिंग विद आयशा क्लासेस सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल करके उसके छोटे छोटे रेशे कर लिए उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बंद गोभी ले लेनी है और ये तो कटती नहीं है इतना तंग करती है ना ऊपर से समय छुरी भी नहीं सही थी अब ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है बहुत आसान है चिकन को बॉय कर लेना है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं चोट फिर उसके बाद हमने क्या करना है बंद गोभी को, को छोटे छोटे पीसिस में कर लेना बहुत बारीक बहुत बारीक कर लेना ज्यादा मोटे मोटे नहीं करना वरना कड़वे कड़वे लगते हैं और ऐलान हो रहा है देखो मैं सैरी टाइम बैठ के करी वॉइस ओवर हज़रात सैरी का टाइम ख़त्म होने में एक घंटा एक घंटा बाकी है जल्दी -जल जल्दी अपना खाना बना लें खैर अभी हमने क्या करना है इसमें हमने बंद गोभी डाल दी उसके बाद हमने ऊपर मेयोनीज डाल है मायोनीज़ मिओनीज म्योनी, मियोनीज म्योनी, जो भी हमने डाल दी उसको हमने मिक्स 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 इतना मिक्स करना इतना मुश्किल है इसको मिक्स करना मैं इतने कोई आपको पता ही पता चल ही रहा होगा मेरे किचन के लिए के तरीके से <laughs> और बाकी ये है कि इसमें हम लोग डाल देंगे जो मसाला है वो डाल देना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें हमने ज्यादा काली मिर्च का इसमें ज्यादा टेस्ट होता है नमक होता है काली मिर्च होती है और आज मैंने इसमें धनिया और जीरे का छोटा छोटा पाउडर डाला और ये मैं पत्ती डालने लगी थी नमक की जगह बट नहीं आपने पत्ती नहीं डाली आपने नमक डालना है हसबे ज़रूरत हसबे जायका अब हमने क्या करना है अपने सैंडविच के पेस्ट को मिक्स 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 करके ये बहुत मजे का बनता है मतलब आपने जल्दी जल्दी बनाना हो ना कुछ तो आप ये बना सकते हैं और यहाँ पे बन रही थी चना चाट और अभी ये बनी नहीं है बन रही है मेरी बहन बना रही थी अब हमने क्या करना है ब्रेड के ऊपर इस पेस्ट को लगा के जैसे भी आपने शेप बनानी है तो ये मेरे बन गए सैंडविचेस लेकिन ये थोड़े से बिगड़े हुए हाल में क्योंकि ब्रेड बहुत नरम थी लेकिन ये अच्छे बने थे टेस्ट तो फिर कमाल होना ही था क्योंकि मैंने जो बनाया था अब हम बनाएंगे ये वाली पानी पूरी इधर बन रहे थे चावल इधर हम बनाएंगे पानी पूरी और सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं इसमें क्या क्या लवाजमात है हमारे पास इसके ऊपर मेंशन था कि इसमें सारी चीजें हैं मतलब वो पूरिया भी हैं पूरिया क्या हलवा पूरी के गोल गोल हलवा पूरी नहीं गोल गप्पे के गोल गोल अंडे मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया है बस अच्छा ये अंदर से क्या चिपके -चिप वे पिचके वे निकल आए थे हलवा पूरी हलवा पूरी फिर क्यों बोल रही हूँ मैं गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गप्पे ये हमारा टेस्ट करने वाला गोल गप्पा था और ये गोल गप्पी बन गया था क्योंकि हमने इसको ठंडे तेल में ठंडे तेल में डाल दिया था और अब हम इसको बना लिए बस ये ज़्यादा फूला ही नहीं ठीक है उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे और दूसरा जब फूलना शुरू हुआ था ना इतना बड़ा हो ही जा रहा था हो ही जा रहा था इतना इसको देख के एक्साइटेड हो गए थे सारे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उतना तो मज़े का लग रहा था यूट्यूब सा और छोटे होते तो बनाई थी एक दफ़ा ये गोल गप्पे तो ये ना अच्छे नहीं बने थे इस वजह से ये देख के अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल सही बने थे टूटे भी नहीं थे कुछ भी नहीं हुआ था और ये अजीब सा ना जैसे नहीं होते वो ऑस्ट्रिच के अंडे वैसा लग रहा था मतलब कि शूतर मुड के बड़े बड़े अंडे लग रहे थे ये और ये लेकिन मजे के लग रहे थे मुझे तो क्रिस्पी काफी ज्यादा लग रहे थे जिससे मैं बताती हूँ जो हम वो पापड़ लेके आते हैं ना घर पर जो फ्राई करते हैं उस तरह का इसका टेक्स्चर और इसकी टेस्ट और इसकी फीलिंग वैसी आ रही थी बट आप शुगल शुगर में इसको ट्राई करने के लिए ले सकते हो हम मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है गोलगप्पे तो इसलिए मैंने सोचा हम बना लेते हैं और ये मैंने सबके दो दो बनाए थे क्योंकि मुझे अभी ना शक था कि अच्छे बनेंगे कि नहीं और यहाँ पे तो बाहर देखा तो बारिश हो रही थी माशाल्लाह से असर का टाइम हो गया था फिर हमने पढ़ी असर की नमाज और उसके बाद मैं जब दोबारा बाहर गई तो और तेज बारिश हो रही और तेज बारिश होती इतनी ठंड हो रही थी इस दफा तो ठंड जा ही नहीं रही खैर गोलगप्पे तो हमने बना के रख दिए थे उसके बाद हमने उसका पानी भी तो बनाना था ना तो हमने पानी के अंदर इसका आधा मसाला डाला था इसका मसाला अंदर ही था ठीक है लेकिन ये था कि इसको ना अब थोड़ा सा बेहतर भी बनाना था तो मैंने इसमें पुदीने की छोट छोटी छोटी पत्तियाँ डाली और उसके बाद मैंने डाला इसमें लीमू मुझे पता था ये इतना मज़े का नहीं होने वाला तो इस वजह से मैंने लीमू डाल दिया और और मैंने इसमें ना खुली इमली भी डाली थी और ताकि थोड़ा खट्टा मीठा हो जाए ना फिर हमारा ये मसाला मसाला नी पानी तैयार हो गया था इसको हमने फ्रिज में रख दिया ठंडा बर्फ होने के लिए उसके बाद हम फ्रेश हुए और फिर हमने सोचा कि अभी अफ्तारी में टाइम रहता है अब क्या करें अब क्या करें क्या करें तो मैंने इधर जब नजर घुमाई तो ये हमारी हसीन पेंटिंग पड़ी हुई जो हमने कल परसों बनाई थी एब्सट्रैक्ट पेंटिंग अभी तक लगाई नहीं है सामने वाली वॉल जो है ना पर्पल वाली इस पे लगेगी ये अफतारी देने के लिए जा रही थी उसके बाद हमने टेबल पे अपनी अफतारी लगाई और उसके बाद दो दो सैरियाँ हमारी डन हो गई हैं <laughs> मतलब दो शहरिया हो गई हैं अब तीसरी कल तो होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने सोचा कि बाहर निकल के देखते हैं कि मौसम के क्या हालात है मौसम तो बहुत खराब है मतलब इतने ज्यादा बादल हैं और बारिश तो हो चुकी है लेकिन रात को दोबारा बारिश होगी क्योंकि मैंने तो पहले देख लिया व्लॉग में मैं वैसे किचन में आई तो मैंने देखा नूरपुर वालों ने अपना छोटा नूरपुर वाला इसके साथ पैकेट लगाया हुआ इतना क्यूट है ये इतना क्यूट लग रहा था अब ये टाइम हो गया है इस गोलगप्पे को टेस्ट करने का और ये पहला गोलगप्पा होगा जो इतनी देर हाथ में पकड़ा हुआ इसमें पानी नहीं लीक हो रहा मतलब ये इतना हार्ड था ना इतना क्रिस्पी था मतलब कि इसमें पानी निकल ही नहीं रहा गिर ही नहीं रहा एक अभी एक तरह गिरा इफतारी के बाद नमाज पढ़ के उसके बाद चाय बिस्किट खाए चाय बिस्किट खाने के बाद जब मैं बाहर गई तो दोबारा से इतनी तेज बारिश हो रही थी मतलब कि मौसम अच्छा है बट मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो इसलिए उसके बाद ईशा की नमाज हो गई ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ के फिर मैंने थोड़ा सा काम करना था तो मैंने सोचा मिल कर लेते हैं अब मिल क्या ही काम करना है? मैं काम करती हूँ आप लोग देखो तो मैं ऑर्डर पैक करती हूँ सबसे पहले मैंने ऑर्डर को बुक किया उसके बाद मैंने उसका प्रिंट निकाला फिर मैंने साथ साथ पैकिंग की और ये बस काम चल रहा है आजकल क्योंकि ईद आने वाली और हम लोग भी ईद वाले बॉक्सेस बनाने में लगे हुए हैं अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग मेरे ज्वलरी वाले अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं स्पार्कल्स बाय एश ओका बाय बाय